नमस्कार, मनी नाइन के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो, और इन तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जी नमस्ते। नमस्कार। और पवन जी के साथ अब खबरों का विश्लेषण शुरू करें, उससे पहले जरा आपको फटाफट बता देते हैं कि आज के मनी सेंट्रल में हम किन किन महत्वपूर्ण बातों पर, किन किन महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था से होता है। सबसे पहले बात करेंगे स्पाइस जेट क्या अब उबर पाएगी, क्या कुछ अपडेट है एविएशन सेक्टर को लेकर के। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और आज क्या कुछ स्पाइस जेट को लेकर खबर आई है, डिटेल में होगी बातचीत। वोडाफोन आइडिया को सरकार से है उम्मीदें, क्या कुछ वो उम्मीद है और कल कॉन कॉल के बाद क्या कुछ बातें निकल करके आई हैं, थोड़ी देर में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। रुपए ने बढ़ाई है निर्यातकों की टेंशन, क्या कुछ चल रहा है रुपए को लेकर के बताएंगे आपको थोड़ी देर में। चीन में बड़े बेलआउट की है तैयारी और इस बेलआउट का असर जो है इक्विटी मार्केट तक पहुँचा है, क्या कुछ है वो असर बताएंगे थोड़ी देर में। सस्ते स्टील का इंपोर्ट बन रहा है अब चुनौती, स्टील सेक्टर को लेकर क्या कुछ इनपुट्स आ रहे हैं, डिटेल में होगी बातचीत। और एफएंडओ से क्या एक्शन लेगा सेबी, सेबी क्या कुछ एक्शन लेने वाला है एफएंडओ को लेकर के और क्या कुछ अपडेट वहां पर आई है, ये भी हम करेंगे विस्तारपूर्वक बातचीत। लेकिन शुरुआत करेंगे स्पाइस जेट से जुड़ी खबरों के साथ। कर्ज के बोझ से दबी बजट एयरलाइन स्पाइस जेट QIP के जरिए 3,000 करोड़ रुपए जुटाने में कामयाब रही। एयरलाइन का QIP 16 सितंबर को खुलकर 18 सितंबर को बंद हुआ था। कंपनी का कहना है कि QIP से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कारोबार में सुधार के लिए किया जाएगा। ग्राउंडेड पड़े विमानों को फिर से शुरू करने के साथ नए विमान भी खरीदे जाएंगे। कंपनी ने यह भी बताया कि अतिरिक्त फंडिंग राउंड से भी कंपनी को 736 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। सर, तो कोशिश तो बहुत कर रही है स्पाइस जेट, क्या लगता है कि मतलब इन तमाम प्रयासों के बाद स्पाइस जेट समस्या से उभर पाएगी, और जो हम देख रहे हैं कि एक ही दो एयरलाइंस का दबदबा एविएशन सेक्टर में देखने को मिल रहा है, क्या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं विपुल की स्पाइसजेट की समस्या पिछले 2-3 साल में गहरा गई है। आप देखेंगे मार्केट शेयर कहां से कहां पहुंच गया, हवाई जहाज की तादाद आप देखिएगा तो 1/3 हो गया, आप कहां 78 और कहां 20, 22, 23। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। कंपनी ये उबर पाएगी कि नहीं उबर पाएगी ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, पर ये जरूर कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इस बात की तैयारी कर रही है कि कैसे इसको बचाने की कोशिश की जाए। अभी जैसे 3,000 करोड़ जुटाने की बात है, उसके अलावा जो 736 करोड़ जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे थे वो जुटाने की बात है। तो ये रकम भी देखिए, अगर आप देखेंगे न्यूमेरिक तल के हिसाब से तो ये रकम भी कोई बहुत ज्यादा उनको एक तरह से सबसे सारी परेशानियों से उबार देगी ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि एक वक्ती हालात ऐसे हैं जब ये रकम आने पे उनको उनकी मदद मिलेगी। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा कंपनी को अभी जो वर्किंग कैपिटल है उसमें सुविधा होगी। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि 150-200 कर्मचारी हैं जिसको फर्लो दिया हुआ है कंपनी ने, जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनको दिया हुआ है कि साहब आप बैठिए घर पे, जब आपको वापस बुलाया जाएगा तब आपको सैलरी दी जाएगी। समय से सैलरी नहीं दी जा रही है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि अभी 3-4 हफ्ते पुरानी बात है, दुबई से खाली विमान स्पाइसजेट का वापस आया इस देश में। वो इसलिए आया क्योंकि दुबई एयरपोर्ट ने कहा कि आपने पैसे नहीं दिए हैं लिहाजा हम आपको यहाँ से ऑपरेट नहीं करने देंगे। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं छोटी मोटी, वो देखिए है तो छोटी समस्या, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है कंपनी को। तो इन सब छोटी छोटी चीजों से 4,000 करोड़ अगर कंपनी के पास आता है तो उससे कंपनी को एक लिवरेज मिलेगा, एक समझिए एक एल्बो रूम मिलेगा आगे काम करने के लिए। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से जब आगे कंपनी बेहतर करती है तो शायद उसका फायदा और ज्यादा मिलेगा। एक और बात मैं आपको और आपके व्यूअर्स को ही बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपके शो पे बोल के जाता हूँ आप समझिए कि वो आज न कल होके रहेगा। इसलिए नहीं कि मैं काबिल हूँ, इसलिए कि हमारे पास सूचना होती है। हम आपको एक बात, अभी आप याद कर रहे होंगे कि मैं आपको एक बात कह के जा रहा था कि दो तीन हफ्ते पहले कि इस देश में जो आसमान में जो हालत है उसमें अभी 2-3 लाइसेंसेस एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं भारत सरकार के पास, उसमें से एक को कल भारत सरकार ने
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है और जिसको डीजीसीए दोबारा से डीजीसीए उसको लाइसेंस देगी हम हिंदुस्तान आसमान में उड़ने के लिए। हम इस पे हम इसका संदर्भ ये बता रहे थे आपसे कि हम जो कह रहे थे कि दो एयरलाइंस का कब्जा इस देश में हो जाएगा तो और स्पाइसजेट और जो बाकी दूसरी एयरलाइंस हैं हम ये मान के कह रहे थे कि ये सब पेरिफेरल एयरलाइंस बनकर रह गए हैं। तो नई एयरलाइंस का कल भारत सरकार ने एक हरी झंडी दी, एक नई एयरलाइंस को लाइसेंस मिलेगा जिसको डीजीसी आने वाले कुछ ही हफ्तों में ओके कर सकता है और आप देखेंगे कि स्पाइसजेट की हालत सुधरती है तो सबके लिए अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि शायद अगर इतनी कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी से तो स्पाइसजेट को दोबारा पटरी पे आने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि सारी चीजें अपनी जगह हैं। और जो ये नई एयरलाइंस जिसको लाइसेंस मिलेगा जिसको लखनऊ की एक एयरलाइंस है आपके जान को अच्छा लगेगा संघ एयरलाइंस के नाम से, इसको डीजीसीए अभी लाइसेंस किसी भी दिन ओके कर सकती है और जिसका नोएडा एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट जिसका बेस होगा। तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा था कि हम जो आपको बातें बता रहे हैं वो किसी सूचना के आधार पर बता रहे हैं। ठीक, तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पर आगे चल करके क्या कुछ चीज़ें जो है निकल करके आती हैं। लेकिन इन सबके बीच में एजीआर बकाए पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका रद्द होने पर वोडाफोन आइडिया ने कहा कि उनकी उम्मीदें अब सिर्फ सरकार पर टिकी हैं। सोमवार को एनलिस्ट के साथ हुई बिजनेस अपडेट कॉल के दौरान वोडाफोन के चेयरमैन ने ये बयान दिया। उन्होंने ये भी बताया वे सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत भी कर रहे हैं। इस बीच टेलीकॉम मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कहा है कि वे वोडाफोन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही चलेंगे। सर, इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर भी कमोबेश स्थिति वैसी है जैसे कि इससे पहले सेक्टर पे हम बात कर रहे थे, वहाँ पर भी एक दो कंपनियों का दबदबा था और यहाँ पर भी ऐसी स्थिति है और सरकार नहीं चाहेगी कि एक या दो कंपनियों की जो है का दबदबा पूरे टेलीकॉम सेक्टर में देखने को मिले, तो कोशिश लगातार सरकार की होगी। और कल जो संकेत मिले यहाँ पर कॉन कॉल के बाद, क्या आपको लगता है सरकार कोशिश करेगी कि वोडाफोन आइडिया का अस्तित्व तो समाप्त नहीं होना चाहिए? सरकार पहले भी कोशिश करती रही है, किन हालात में सरकार ने वोडाफोन में 36% से 37% हिस्सेदारी खरीद ली आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 3 साल से ज्यादा पुरानी बात नहीं है। देखिए क्या है कि इन्होंने मैनेजमेंट ने अभी पिछले हफ्ते सरकार को चिट्ठी लिखी है कि हमारी जो हालत है उसमें आप देख रहे हैं सब कुछ सामने है, क्या किया जाए, इसका क्या हल निकाला जाए, क्या ऐसा कोई तरीका निकल सकता है जिसमें हम इंस्टॉलमेंट पे काम कर सकते हैं, जितनी रकम सरकार की बकाया है वो इसमें इंस्टॉलमेंट पे काम कर सकते हैं और उसमें जो इंटरेस्ट उस पर हमें देना है क्या इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया जा सकता है। न केवल चिट्ठी लिखी है बल्कि वोडाफोन के जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं वो भारत सरकार के अधिकारियों से संचार मंत्रालय में जाकर दो हफ्ते पहले बात कर चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुरंत कोई हल निकल जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम से सरकार इनको अंधेरे में जाके छोड़ देगी और ये कहेगी कि साहब हमारे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आप अपना कोई हल निकालिए। क्या 37% ज्यादा भी इक्विटी बढ़ाई जा सकती है, क्या कोई और दूसरे तरीके निकल सकते हैं क्या? उसमें मैं ये सिर्फ ये कहूंगा कि अभी इतनी जल्दी एक दो हफ्ते में कुछ नहीं होगा, पर आप देखिएगा आने वाले टाइम में, मैं अगर मुझे निजी तौर पर आप पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि आज हम लोग सितंबर के लगभग लास्ट वीक में बैठे हैं जी, 2 महीने के भीतर भीतर इसका कोई सीधा हल निकलेगा। और आप बाकी वोडाफोन आपने देखा कि वोडाफोन खुद भी कोशिश कर रही है और जिसकी वजह से मार्केट में 2-3 दिन से उसके लिए अपबीट सा बना हुआ है। तो सरकार समय रहते छोटा सा ही कोई तरीका निकालेगी, लेकिन वोडाफोन को अभी वोडाफोन पटरी से उतर जाएगा बिल्कुल और बिल्कुल एकदम डूबने के कगार पहुंच जाएगा, ऐसी हालत नहीं आने वाली है। तो निश्चित रूप से वोडाफोन आइडिया के शेयर में भी लगातार हलचल मची हुई है। आज अगर हम देखें तो करीब 0.25% के आसपास की हालांकि गिरावट देखने को मिली, दिनभर उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिला, 10.67 रुपये का स्तर यहां पर देखने को मिला है। इस बीच अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए चीन के केंद्रीय बैंक ने कई बड़े आर्थिक सुधारों की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि निकट भविष्य में रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की जाएगी। इसके अलावा 7 दिन के रिवर्स रेपो रेट में भी 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की तैयारी है। लंबे समय से चीन का हाउसिंग सेक्टर मंदी में फंसा हुआ है, साथ में वहां के शेयर बाजार में भी निवेशकों का भरोसा कम हुआ है। ऐसे में चीन का केंद्रीय बैंक बाजार में स्थिरता लाने के साथ साथ निवेशकों के भरोसे को लौटाने की दिशा में काम
कर रहा है। सर, बड़ा कदम है और हाउसिंग सेक्टर को बचाने की कोशिश की जा रही है और आज उसका असर जो है वो भारतीय शेयर बाजारों में भी देखने को मिला, खासतौर से मेटल सेक्टर के अंदर की उम्मीद जगी कि डिमांड और बढ़ती हुई दिखाई देगी और मेटल शेयरों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। चीन में की अर्थव्यवस्था क्या वाकई में इस रेट कट से सुधर जाएगी या आपको लगता है कि अभी कई और कदम उठाने पड़ेंगे? क्या कुछ कहना है आपका चीन की अर्थव्यवस्था पे कि जो आंकड़े जो है थोड़े से खराब होते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, अभी चीन जो है हाई ग्रोथ रेट की हालत से बहुत नीचे है। अब जैसे आप किसी जमाने में आप 8% 7% आप देखते थे, ऐसी हालत चीन की है नहीं। ये इनको लगता है कि अभी हम 5% भी अगर जीडीपी हासिल कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, जो रिजर्व रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें कट है। पहले अभी जितने मिनी स्टेप्स लिए गए चाइना में, इसके पहले भी, उससे इकोनॉमी में ज्यादा बूस्टर के डोज के तौर पे वो नहीं काम कर पाया। अभी जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि रियल स्टेट में ब्याज दर की बात कर रहे थे, रियल स्टेट को में एक स्थिरता लाने का प्रयास था, स्टेबिलिटी है, उसको उसको बूस्टर देने की बात थी। उसमें भी कोई, उसमें जो इम्प्रूवमेंट अभी तक उनको दिखा है, जो एक इतने टाइम में जो एक ऑब्जर्वेशन है, उससे बहुत ज्यादा वो संतुष्ट नहीं है। इकोनॉमी में जान डालने के लिए रेट कट से, अगर वो समझते हैं कि इससे ज्यादा इस रेट कट से इकोनॉमी में एक एक रिलीफ सी आएगी, इकोनॉमी एक रीबाउंड होगा, इसकी कोई गारंटी देखिए नहीं है। तो इस बात के संकेत दिए गए हैं कि जो ये इस जो 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 जो, जो ऐसे स्टेप्स हैं वो आगे भी चाइना के इकोनॉमी में और बेहतरी के लिए लिए जाते रहेंगे। तो इससे मैं सिर्फ इस पे ये मानता हूँ कि आज के स्टेप से वो समझ रहे हैं या दुनिया ये समझ रही है कि चाइना में अब हो गया, इसके बाद चाइना का पटरी पे, चाइना अर्थव्यवस्था का पटरी रिकवरी पे लौटना तय है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक ठाक वहाँ पे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स बेहतर हो जाएगा या फिर ग्रोथ पाथ जो है वो ट्रेजेक्ट्री ऊपर चली जाएगी, ऐसा है, ऐसा 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 किसी भी भ्रम में मेरे ख्याल से इस वक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उनको और स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लेकिन उनको भी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, महीने, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, लेकिन ये पेनासिया नहीं है उनके लिए, मैं इतना कहूंगा। बिल्कुल, चलिए तो देखते हैं कि आगे चलकर और कौन से कदम उठाए जाते हैं। हालांकि अब ये ब्याज दरों में कटौती होगी तो एक जो मेन उनकी जो कंसर्न है लिक्विडिटी को लेकर के, चाहे वो सिस्टम के अंदर हो या फिर सेक्टर के अंदर हो, वो थोड़ी सी एक समस्या जो है वो दूर होगी और शायद वहाँ से थोड़ा सा राहत मिलते हुए दिखाई दे। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका में ब्याज दर कटौती के बाद अमेरिकी डॉलर में आई नरमी और भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों के बढ़ते निवेश का असर भारतीय करेंसी रुपए पर अब देखा जा रहा है। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 2.5 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। डॉलर का भाव घट करके 83.50 रुपये के नीचे आ गया। रुपए में आई इस तेजी की वजह से निर्यातकों पर मार पड़ सकती है। पहले ही अगस्त के दौरान कमजोर विदेशी मांग की वजह से निर्यात में 9% की भारी गिरावट आई है। ऐसे में रुपये में और मजबूती आई तो निर्यात प्रभावित हो सकता है। सर, रुपए की मजबूती को पहले हम सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अभी के जो हालात चल रहे हैं, खासतौर से एक्सपोर्टर्स के लोगों को थोड़ा सा चेहरा थोड़ा सा लटक गया है कि भाई रुपया मजबूत हुआ तो एक्सपोर्ट जो है और ज्यादा प्रभावित हो सकता है। कभी नहीं सेलिब्रेट करते थे बिल्कुल। देखिए, जब रुपया जब भी अप्रिशिएट करता है एक्सपोर्टर्स को दिक्कत होती है, हम कभी नहीं सेलिब्रेट कर सकते। ये सब साइक्लिकल हैं, कभी डिप्रिसिएशन चलता है, अप्रिसिएशन, ये सब चलता रहता है मार्केट में। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें बैलेंस कैसे बनाया जाए। अभी जो जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं कि रुपया अप्रिशिएट कर गया है तो लिहाजा एक्सपोर्टर्स को दिक्कत है, देखिए जितनी मेरी समझ बनती है कि अभी फिलहाल इसमें कोई इंटरवेंशन ऐसा नहीं होगा, मार्केट के भरोसे इसको छोड़ा जाएगा। और अभी ये बहुत बहुत लेटेस्ट फेनोमेनन है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से चल रहा है। तो अभी RBI वॉच करेगी कि क्या मूवमेंट है, रुपया कैसे अप्रिशिएट कर रहा है, देखते हैं, वेट करेंगे। और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म में अगर एक्सपोर्टर्स को नुकसान है तब जाकर ये नौबत आएगी कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए या फिर उसके बाद इंटरवेंशन की गुंजाइश रहेगी। तो फिलहाल जो अब हम देख रहे हैं हालात अभी ऐसे ही रहेंगे, कोई बहुत ज्यादा इंटरवेंशन की गुंजाइश फिलहाल नहीं बनती है। ठीक, इस बीच चीन में भारत में स्टील के इम्पोर्ट में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है चीन से। इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान
चीन से तैयार स्टील का इंपोर्ट 7 साल के ऊपरी स्तर पर पड़ रहा है। इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड की वजह से देश में कुल 37 लाख टन तैयार स्टील का इंपोर्ट हुआ है, जिसमें अधिकतर स्टील चीन से ही आया है। चीन से स्टील के बढ़ते इंपोर्ट की वजह से घरेलू स्टील इंडस्ट्री कई बार मांग कर चुकी है कि चीन से इंपोर्ट पर टैक्स को बढ़ाया जाए। सर, ये डिमांड लंबे समय से चल रही है, क्या उम्मीद की जाए कि अब जो है इस पर जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है ताकि भारत की जो घरेलू इंडस्ट्री है उस पर जो है असर ना पड़ता हुआ दिखाई दे? लंबे समय से डिमांड चल रही है, बिल्कुल ये बात सही है, पर इधर हालात ज्यादा नाजुक हुए हैं। देखिए होता क्या है कि आप देखेंगे चाइना में एक तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, आप उसको कहेंगे बहुत जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन है। भारत में जो स्टील का प्रोडक्शन है वो ज्यादा कंपिटिटिव नहीं है, तो आप जैसे स्टील के कंपनियों से अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अब जिस तरह से स्टील इंपोर्ट में आप बढ़ोतरी देख रहे हैं, मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं कि 2 हफ्ते पहले जो यहां के जो घरेलू स्टील प्रोड्यूसर्स हैं सब भारत सरकार के मंत्री से मिले, भारत सरकार के स्टील सेक्रेटरी से मिले, भारत सरकार के स्टील सेक्रेटरी ने भरोसा दिलाया कि साहब हम अब भेज रहे हैं रिकमेंडेशन और हम अब भेज रहे हैं रिकमेंडेशन में हम फाइनेंस मिनिस्ट्री को हमने लिखा है कि साहब बढ़ोतरी की जाए, वो जो बैंड रहेगा वो 7.5% से 10% के आसपास। तो अभी मैं आपको इतना कह सकता हूं कि 2 हफ्ते के इंतजार के बाद आप देखिएगा तो आज न कल स्टील पे भारत सरकार को ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। परसेंटेज का फर्क हो सकता है, लेकिन इस बात को स्टील सेक्रेटरी से ये लोग मिले और इन्होंने उनको कहा, रिक्वेस्ट किया, रिकमेंडेशन फाइनेंस मंत्रालय को भेजा गया क्योंकि इस पर फैसला अल्टीमेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेना है। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये होना है आज न कल, अब आज हो 2 हफ्ते बाद हो, हमारा ये मानना है कि कम से कम महीना दिन में आपको देखने को मिलेगा। हम लोग आगे फिर इस शो पे चर्चा करेंगे जब स्टील पे ड्यूटी बढ़ जाएगी। बढ़ना तय है जी, बढ़ना तय है, और शायद यही वजह है कि बाजार, शेयर बाज़ार इसको काफ़ी हद तक फैक्टर इन करके चल रहा है, डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। स्टील कंपनियों में लगातार हम देख रहे हैं कि जो है एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। आज भी टाटा स्टील, सेल, JSW स्टील, इन सब के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो चीन की खबर का असर और दूसरा इस फ्रंट पर भी शायद कोई बड़ी घोषणा जल्द हो सकती है। इधर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक स्टडी की है जो कि ये बताती है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले अधिकतर ट्रेडर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। सेबी की स्टडी के मुताबिक बीते 3 वर्षों के दौरान करीब 93% फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स को औसतन 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सिर्फ 7% ट्रेडर्स मुनाफे में रहे हैं और उनमें से भी सिर्फ 1% ऐसे हैं जिनको कि साल में औसतन 1 लाख रुपये या फिर इससे ज़्यादा का फायदा हुआ है। रिपोर्ट में ये भी कहती है रिपोर्ट कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में नुकसान उठाने वाले अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनकी घोषित इनकम सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम है। सर, ये आंकड़े तो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, और अगर ये आंकड़े सेबी के पास हैं तो फिर आखिर में फ्यूचर एंड ऑप्शन को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? हालांकि बीच बीच में सेबी की तरफ से तो बयान आते हैं कि वायदा बाजार में संभल के ट्रेड करें, ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है, लेकिन ना BSE ना NSE इनकी तरफ से ये प्लेटफॉर्म पे आसानी से उपलब्ध होने वाले ट्रेड हैं और लोग इसमें बहुत जमकर के सौदे कर रहे हैं। इसकी वजह क्या आप मानते हैं? क्या सेबी इसको, अगर लोगों को नुकसान हो रहा है तो क्या इस पर रोक लगाना सही रणनीति नहीं होगी, या फिर इस पर इसके नियमों को थोड़ा कठिन करना सही रणनीति नहीं होगी? विपुल, क्या ये पहली बार ये रिपोर्ट आई है? क्या ये आंकड़े पहली बार आए हैं? आपको इस बारे में हमसे शायद बेहतर जानकारी होगी। इससे पहले भी जैसे अभी आप हवाला दे रहे कि 91% लोग लॉस करते हैं, 92% लोग लॉस करते हैं, आप याद करिए 2023 में भी एक रिपोर्ट आई जिसमें था कि 89% लोग लॉस करते हैं, अब वो 2-3% ज्यादा हो गया। क्या एक साल में ऐसे क्या हालात पैदा हो गए? सेबी ने क्या इंटरवेंशन किया? क्या ऐसी स्थिति आ गई है जहां पे सेबी को पॉलिसी से इंटरवीन करना जरूरी है क्या, या हम क्या केवल रिपोर्ट ही लाते रहेंगे? जब इतने लोग ट्रेड में पैसा गंवा रहे हैं, लाखों करोड़ों पैसे लोग गंवा रहे हैं, जो आप जब 92% लोग पैसा गंवा रहे हैं तो आप समझिए कि 100% लोग कायदे से पैसा गंवा रहे हैं। तो क्या इनके बचाव के लिए, या कम से कम इनको ये बताया जाए कि आप इधर इन्वेस्ट नहीं करिए, इधर कंप्लीट वेस्टेज है, इधर लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई इधर आके लगाते हैं। फ्यूचर, देखिए एक बात और मैं कहना चाहता हूं
कि ये उतना ही बड़ा एक तरह से कहीं भ्रम है मार्केट में, जिसमें लगता है कि मार्केट में बड़े लोग पैसे कमाते हैं, ये भी उतना ही बड़ा भ्रम है जितना बड़ा ये भ्रम है कि मार्केट में सब लोग पैसा कमाते हैं। मार्केट में वही लोग पैसा कमाते हैं जो जो एक बिल्कुल कैरेट एंड स्टिक के हिसाब से चलते हैं, जो बैलेंस होते हैं। आप चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बात करिए, क्योंकि ये रिस्की ये सेगमेंट रिस्की है, लिहाजा पैसा इसमें डुबोते हैं। तो डुबोते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि सेबी एक रेगुलेटर होने के नाते क्या केवल रिपोर्ट तैयार करेगी? क्या सेबी का काम केवल रिपोर्ट तैयार करना है? क्या कोई पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए क्या? जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके आधार पे जब आप 92% पे पहुंच गए, तो क्या हम इस बात का इंतजार करते हैं कि जो लोग पैसा लगाए उसमें से 100% लोग पैसा लूज कर जाएं? या हम तब एक्ट करेंगे जब 100% लोग पैसा 100% लोगों का पैसा मार्केट में डूब जाएगा? अगर उसका इंतजार कर रहे हैं तो मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर उसके पहले आपको लगता है कि ये उस जगह पे पहुंच गया जहां पे तुरंत पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है, तो करिए। कब करिएगा ये भी बता दीजिए, और जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी लोगों का नुकसान होने से बचेगा। ठीक, लेकिन पवन जी इसमें इसमें ये करने के लिए इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। खैर, बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पॉलिसी इंटरवेंशन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है ट्रेड कर रहे हैं और बीएससी और एनएससी को एक बड़ा वॉल्यूम वहाँ मिलता है और उस वॉल्यूम के जरिए बड़ी आय हो रही है? क्या यहाँ के जरिए आता हुआ पैसा एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस मामले में कोई पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं हो रहा है, सिर्फ अलर्ट जारी करके या चेतावनी जारी कर करके छोड़ दिया जा रहा है, जिस तरीके से सिगरेट की डिब्बी पर लिखा होता है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, वैसे ही एफएंडो में ट्रेडिंग करना हानिकारक है? नहीं विपुल, मैं ये भी आपके आपके शो पे कह के जा रहा हूँ, और इस बात को आप बिल्कुल कागज पर नोट करिएगा, हम लोग मिलेंगे तो इस पर भी बात करेंगे। इस पर भारत सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, और उसके लिए भी मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में लेना पड़ेगा, मैं इतना आपको बता सकता हूँ। देखिए, ऐसा है कि ये कोई स्टैंड लोन बेसिस पे सेबी इस देश में नहीं काम कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ टेंडम में काम करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में पूरा डिपार्टमेंट है जो इनके साथ टेंडम में काम करता है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो वहाँ हो रहा है वो इधर भारत सरकार में लोग देख नहीं रहे हैं। तो इस पे इस तरह की रिपोर्ट आई है, ये 3 साल से रिपोर्टें आ रही है, 2 साल का तो मुझे याद है, 1 साल पहले का मुझे हाफ याद है, पर वो भी बात सही है। लास्ट वाला 89% लोगों ने पैसा लूज किया, इतना मुझे याद बनता है। इस पे भी एक्शन लेना पड़ेगा, और इसी फाइनेंशियल ईयर में इस पे आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ कोई ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जो इसको डिस्करेज करेगा, या तो इसमें जितने लॉस का जो वॉल्यूम है वो नीचे आएगा, एक ऐसा बेंचमार्क तैयार किया जाएगा जिससे लोगों का नुकसान होने से बचाया जा सके। पर ये होगा जरूर, हम लोग इस पे बात करेंगे सर। बिल्कुल, इस पर बात करेंगे, और जो आप कह रहे हैं और आपकी ज़्यादातर खबरें सही होती हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस पर कोई कम से कम ऐसा हो कि आम आदमी को अपना निवेश ना खोना पड़े। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त हो गया है सर, लेकिन चलते चलते आप यूरोप के दौरे पर हैं, आज किस शहर में हैं ये जाते जाते ज़रा हमारे दर्शकों को अगर आप बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल, मैं अभी मैं हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हूँ, और देखिए इसमें से बुडापेस्ट को देखते हुए, घूमते हुए, समझते हुए, आपके ट्रिकी सवालों का जवाब देना वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और यहाँ से ट्रैक रखना हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, तो इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। और फिर भी मैं आपके लिए खबरें कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जैक्ट बता सकूँ, जिसमें कोई टाइमलाइन दे सकूँ आपको, अगर मैं ये कर पा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, और आप हमारे दर्शक जो है इंतज़ार करते हैं शाम के 7 बजे का कि आप जो है आकर के तमाम खबरों का विश्लेषण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आप समय निकाल करके, और अलग अलग शहरों का विवरण भी आपसे मिल जाता है, यूरोप के बारे में जानकारी मिल जाती है, और इन खबरों अच्छा का हम पर असर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, लगातार आप मई9 के साथ बने रहिए, मुझको इजाजत दीजिए, नमस्कार। को पावर्ड बाई टेक्नो।